पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, व्हाट कैन बी सीन वंस इन अ मिनट ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन अ थाउजेंड इयर्स। हिंदी में ऐसी क्या चीज है जो कि मिनट में एक बार, मोमेंट में दो बार और हजारों साल में एक बार भी नहीं देखने मिलेगी, जल्दी बताइए। जवाब आ रहा है एम। देखा आपने, द लेटर एम इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से, मिनट में एक बार, मोमेंट में दो बार और थाउजेंड में नहीं। तो सवाल नंबर दो आता है आपके सामने, वो ये है, विच टायर डज नॉट मूव व्हेन ए कार टर्न्स राइट। आपके पास मिलेंगे जल्दी से, देखिए टाइम शुरू हो चुका है, जवाब देते रहिए, आसान है, सोचते रहिए क्या होगा इसका जवाब। और जवाब भी आपके सामने आ रहा है जो कि है ये, आपके स्क्रीन के सामने ये देखिए, कार है और पीछे से टायर निकला, यानी कि स्पेयर टायर। जी हाँ। सवाल नंबर तीन आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने, आई एम नॉट अलाइव बट आई हैव फाइव फिंगर्स, व्हाट एम आई। मैं जिंदा नहीं हूँ मगर मेरे पास पांच उंगली हैं, कौन हूँ मैं, सोचो, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ गाइस। आंसर के लिए इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ सामने। हाँ तो आ गया मैं सामने, तो जवाब क्या होगा सोचा आपने, ये देखिए स्क्रीन के सामने, ये है ग्लव्स। जिंदा नहीं है मगर पांच उंगलियां तो हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले रिडल्स की तरफ। चलिए तो आपके सामने आ रहा है सवाल नंबर चौथा, क्या है, विच वर्ड इज रिटन इनकरेक्टली इन ए डिक्शनरी। सर्चर सर्चर, टाइम शुरू हो गया है, अब आपको बताना है, जल्द से जल्द अपनी डिक्शनरी निकालिए और चेक करिए सवाल का जवाब क्या होगा। और आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पर, जवाब है, डिक्शनरी हंस रहा है, जवाब है खुद, वर्ड इनकरेक्टली। देखो कितना आसान था ये। तो पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये, अ ट्रक ड्रोव टू अ विलेज एंड मेट फोर कार्स, हाउ मेनी व्हीकल्स वेर गोइंग टू द विलेज। टाइम शुरू हो चुका है, बताइए, एक ट्रक जा रहा था चार लोगों से मिलने के लिए, बताइए क्या होगा इसका जवाब। और जवाब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए चार गाड़ी चल रही हैं, एक ट्रक चल रहा है, तो आंसर होगा ओनली वन ट्रक। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है, अब चलेंगे 6 से लेके 10 तक के रिडल्स में जल्दी जल्दी से कुछ अनोखे वॉइस ओवर के साथ। चलिए तो सवाल नंबर 6 आता है, पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई। बोलिए क्या होगा इसका जवाब, टाइम खत्म हो रहा है और आपके पास आ रहा है मार्केट का प्लेट, यानी कि प्लेट थाली। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 7। सवाल है आपके सामने, वी किल एंड वी गिव लाइफ, वी आर आइदर पॉइजन और फ्रूट, हु चूज व्हाट आर वी। क्या, कौन डिसाइड करता है कि हम कौन हैं, सोच के बताइए, बहुत ही ट्रिकी है। इसका जवाब होगा, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा, कई सारे शब्द हैं आपके सामने, कई सारे शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब वर्ड्स चूज करता है कि क्या हैं हम। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8 और ये है आपके स्क्रीन के सामने, विच हैंड इज बेस्ट फॉर स्ट्रिंग शुगर इन टू अ कप ऑफ अ टी। बताइए चीनी मिलाने के लिए कौन सा हाथ बेस्ट है, बोलो बोलो, टेल टेल। देखिए टाइम खत्म और आंसर है, हाथ की क्या जरूरत है गाइस, चम्मच तो काफी है। चम्मच ही तो काफी है। सवाल नंबर 9 आपके सामने आ रहा है, देखते हैं, फीड मी एंड इट विल गिव मी लाइफ बट गिव मी अ ड्रिंक एंड आई विल डाई, व्हाट एम आई। टाइम खत्म हो रहा है गाइस, सोचो पानी डालने से किसकी मौत होती है,
कौन है ये, सोचो, स्क्रीन के सामने आ रहा है और इसका आंसर है आग, यानी कि फायर हूं मैं। चलते हैं सवाल नंबर 10 पर, जो अभी आने वाला है आपके स्क्रीन पर। और सवाल है ये आपके स्क्रीन पर, हु मेक्स मूव्स व्हाइल बीइंग सीटेड, कौन मूव करता है जब कोई बैठा रहता है। सोचो दिमाग में, गाइस बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, ध्यान से सोचो, दिमाग का खेल है गाइस, दिमाग का खेल है, तभी तो उसको रिडल्स कहा जाता है। देखो आंसर क्या होगा, मधुमक्खी घूम रही है, चेस प्लेयर तो कभी बैठे में से भी खेलता रहता है, राइट। हाँ तो गाइज ये थे हमारे 10 ट्रिकी रिडल्स फिलहाल के लिए, पार्ट वन है ये। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे बाकी के 11 से लेके 18 तक, यानी कि और भी बाकी 8 मिलेंगे रिडल्स, जो कि और भी ज़्यादा ट्रिकी, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लगेंगे, नॉलेजेबल लगेंगे बहुत, और बहुत आसान भी लगेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है और आपको देखना पसंद है मेरी एंटरटेनमेंट का खजाना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। गाइस सपोर्ट करते रहिए, अगले वीडियो यानी कि संडे को ही आपको देखने मिलेगा इसका पार्ट 2। थैंक यू गाइस, मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग तरह तरह के वीडियो के साथ। एंटरटेनमेंट का खजाना है ये, शशि द एंटरटेनर।